नमस्ते। छोटी सी सूचना है, आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, ठंड भी है और तबीयत भी खराब है। रात के लगभग 3 बजे हैं, या कह लीजिए सुबह के 3 बजे हैं। 26 जनवरी को सुबह 3 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे से लगा हुआ था जो रिजल्ट आया है ना, फाइनल रिजल्ट, उसको DNA करने में। और जब ये 18 पेज का मैंने रिजल्ट देखा तो लगा ये इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता। तो फिर मुझे याद आ गया कि ये रिजल्ट तो उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी का है और उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव, और आप और हम सभी मस्त हैं चुनाव प्रचार में, नेताओं के संवादों में। तो जब इलेक्शन की बात होती है तो कौन से एग्जाम की बात हम करेंगे? जी हाँ, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के कारण और इलेक्शन हमारी पहली प्रायोरिटी है, इसीलिए एग्जाम और एग्जामिनेशन और एडमिशन हमेशा दोयम दर्जे के रहे हैं। भाषा थोड़ी सी कठोर होगी आज के वीडियो में। पहले मैं कुछ बातों को रिमाइंड भी करवाऊंगा और जो रिजल्ट आया है उसकी बात भी करूंगा। ठीक है, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट दिया है उसमें एक विषय है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक विषय है उसमें, और एक विषय है उसमें इंग्लिश। इंग्लिश में है 16 सीटें। ठीक है, इंग्लिश में PhD की 16 सीटों के लिए आवेदन मांगा गया था, लेकिन ये कौन सा गणित है कि 16 सीटों पर आपने केवल 6 बच्चों को एंट्रेंस में क्वालिफाई किया? कौन जवाब देगा इसका कि इंग्लिश की 16 सीटों पर आप केवल 6 बच्चों को एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, और हिंदी की 40 सीटों पर आप केवल 27 या 25 बच्चों को क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना? एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं, उसका हाल तो उससे भी बुरा है, उसका हाल तो उससे भी बुरा है। लगभग 40 के आसपास सीट मान लीजिए एजुकेशन में, और मालूम है कितने बच्चों को क्वालिफाई किया है? मैं देख रहा हूं। और सबसे भयंकर हालात किसी के है ना, इकोनॉमिक्स के हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। कितनी सीटें हैं अर्थशास्त्र में मालूम है आपको? 8 सीटें हैं। और कितने बच्चों को बुलाया है? 6 बच्चों को। तो मैं सब विषयों का तो रोना नहीं रोऊंगा, बस यही कहूंगा यदि आप लोग अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं, यदि आप लोग अपने आप को भविष्य के निर्माण में योगदान देने वाली पीढ़ी समझते हैं, तो डिमांड कीजिए विश्वविद्यालय से, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से, कि रिजल्ट को दोबारा से निकाले। यह रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं है, मजाक है। जो बिहार NTPC के बच्चों के साथ हुआ है ना, वैसी घटना आपके साथ भी हुई है। सोचिए ना कि आपके पास योग्य कैंडिडेट नहीं है, कितने कैंडिडेट होंगे जो NET JRF क्वालिफाई होंगे, और अगर आपने एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेना नहीं है आपको, तो आपने एंट्रेंस करवाया क्यों, पूछिएगा आप। अगर आपको सभी सीटों पर एग्जामटेड क्वालिफाई बच्चों को ही एडमिशन देना है, तो एंट्रेंस के नाम पर आपने बच्चों से एग्जाम करवाया क्यों? और पिछले 7-8 महीनों से जो बच्चे कोशिश कर रहे थे कि तैयारी करेंगे इंटरव्यू की, आपने 10 सीटों पर 2 बच्चों को, 20 सीटों पर 12 बच्चों को, 38 सीटों पर 25 बच्चों को, क्या मजाक है ये? तो रिजल्ट तो आपकी स्क्रीन पर है, और बड़े उतावले थे आप लोग कि रिजल्ट नहीं आ रहा है और मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, लाइव में बात की। क्योंकि कोई भी सूचनाएं नंबर 1 पर देने की होड़ में मैं नहीं करता हूं कि सूचना ही आपको दे दी। सूचना कितनी सही है, सूचना के बैकग्राउंड में क्या है, ये बताना भी काम एक विद्यार्थी का होता है। और मैं विद्यार्थी हूं छोटा सा, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं, कोई पत्रकार नहीं हूं, और नंबर 1 चैनल होने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। मेरा काम है जो बातें हैं वो आपके सामने रख दूं। सही गलत आप तय करिएगा, मुझे बड़ी आपत्ति है इस रिजल्ट से। जो ये रिजल्ट आया है, और रिजल्ट के नाम पर कुछ और ही आया है। एक विषय है इसमें डिफेंस स्टडी का, 4 बच्चों को क्वालिफाई किया है डिफेंस स्टडी में, और सीटें कितनी है? 4। आप बताइए ना मुझे कि कहीं तो आप 4 सीट में 4 बच्चों को बुलाते हैं और कहीं आप कुछ भी नहीं बुलाते हैं। सोचिएगा इसको। रिजल्ट आपने देख लिया है, देख लीजिए, मैं खुश नहीं हूं। अगले वीडियो में आपको बता दूंगा मैं सिनॉप्सिस के विषय में, प्रपोजल के विषय में, PPT के विषय में, जो बनाना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज और बताऊं, 6 सीटें हैं लॉ के अंदर। कितनी है? 6 सीटें हैं कानून लॉ में। और कितने बच्चों को बुलाया है एंट्रेंस क्वालिफाई होने पे? 2 बच्चों को। यानी कि कानून हो, इकोनॉमिक्स हो, लिटरेचर हो, सोशियोलॉजी हो, बच्चों को क्यों नहीं बुलाया आपने, बताइए? तो
तो भैया लोगों और बहन लोगों जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जिनका नाम आया है ना, खुश मत होइएगा वो भी, क्योंकि जो लिस्ट आई है ना उसमें कहीं नहीं बताया है आपके नंबर कितने हैं। हो सकता है आपके 51 नंबर आए हों, हो सकता है 50 नंबर आए हों, हो सकता है कैटेगरी में है तो आपके 46 नंबर आए हों, 48 आए हों। और अगर आपके 46, 50, 55 नंबर आए हैं और जो बच्चे एग्जामटेड कैटेगरी में हैं उनका एडमिशन होने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं ना, खुश मत होइएगा, ठीक है। मैं यही कहूँगा क्योंकि ये रिजल्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चाहे विश्वविद्यालय या बहुत से यूट्यूबर हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा, और जो प्रोस्पेक्टर है ना 9 पेज का, उसको भी दे दूंगा। क्योंकि आप लोग पता है सवाल क्या करेंगे कि सर जो एग्जामटेड हैं उनका रिजल्ट कब आएगा, एग्जामटेड वालों को सिनॉप्सिस का। आप लोगों को अभी भी चिंता है सिनॉप्सिस की, इंटरव्यू की, पहले ये तो चिंतन कर लीजिए मेरे बालकों बालिकाओं की, जो रिजल्ट दिया है वाकई क्या ये लीगल रिजल्ट है, क्या ये रिजल्ट आपको स्वीकार है। अरे 10 सीटें हैं, कम से कम 15 बच्चों को बुला लेते, 10 सीटें हैं कम से कम 11 बच्चों को बुला लेते, आपने सीट के अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट नहीं मिले। और जबकि हजारों बच्चों ने अप्लीकेशन भरा होगा, हजारों बच्चों ने, ये मैं श्योर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में शिक्षा में बेरोजगारी का आलम क्या है। बच्चे 2 साल 3 साल हो गए हैं, उनका JRF कैंसिल होने वाला है और बच्चे इसी फ्राक कोशिश में कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, अफिलिएटेड कॉलेज में। लेकिन आप बच्चों लोगों का यह शिक्षण संस्थान JRF कैंसिल करवा देते हैं और बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि 3 बार एंट्रेंस देते हैं, 4 बार एंट्रेंस देते हैं। बच्चों में क्या कमी है ये बच्चों को भी नहीं मालूम है, लेकिन वह बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हो सकता है ऐसा ही कुछ कांड काशी विद्यापीठ या मोतिहारी विश्वविद्यालय या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय या कोई विश्वविद्यालय करे। एग्जाम्पल आपके सामने है, बड़ा खुश था 2 दिन पहले मैं और आप भी कि BHU का फॉर्म आ गया है, बेहतरीन सीटें आई हैं। लेकिन मालूम है BHU ने क्या लिखा है प्रोस्पेक्टर में, बता देता हूं कि सीटों की संख्या में कुछ भी परिवर्तन करने का अधिकार है BHU विश्वविद्यालय को। इस लाइन को पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। इनकी जो सीटें आई हैं ना BHU में, उसके अंदर भी हेर फेर हो सकता है और कभी भी हो सकता है। हो सकता है एंट्रेंस के बाद हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू से पहले हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू देने के बाद आपको मालूम चले कि 15 सीटों पर विज्ञापन निकाला था लेकिन एडमिशन 5 ही बच्चों का हो BHU में। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोनॉमस शक्ति UGC ने विश्वविद्यालय को दे दी है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है, देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर में बता दिया गया है कि किसको डायरेक्ट बुलाया गया था, क्योंकि लिखित परीक्षा में यदि आपके 140 नंबर की जो लिखित परीक्षा थी, ठीक है, अगर 70 नंबर आए होंगे आपके तो पास है, क्योंकि 60 नंबर का इंटरव्यू है। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि 140 की परीक्षा में से कितने नंबर आए हैं आपके, तो डिमांड कीजिए विश्वविद्यालय से कि पहले तो आपके नंबर दिखाए जाएं और ये जो रिजल्ट आया है इसको रिवाइज किया जाए, नहीं तो बहुत कुछ भुगतेंगे आप लोग। मुझे जो कहना था कह दिया, वीडियो अपलोड करके मुझे सोना भी है और सुबह जल्दी भी जागना है, ठीक है, यही था। तो भैया देख लीजिएगा और कोई नया अपडेट आ जाएगा। और धन्यवाद उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझको बताया कि रिजल्ट आ गया है, मुझे मालूम नहीं था रिजल्ट आया है, लाइव कर रहा था, आपने सुना होगा ना लाइव के दौरान कल के में किसी ने बताया ही था, तो मैंने देखा कि रिजल्ट तो आ गया है। लेकिन रिजल्ट तो उस समय मैं बात नहीं करी क्योंकि परेशान था, और अब रिजल्ट को पढ़ने के समझने के बाद में ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम गणतंत्र में हैं, लोकतंत्र है ना, हम गणतंत्र हैं और आज गणतंत्र दिवस भी है, मनाएंगे गणतंत्र दिवस शांति के साथ, सौम्यता के साथ। बेशक कोई हमारे सपनों का, हमारी उम्मीदों की हत्या करके खुला घूमता रहे, हमें क्या चिंता है, क्योंकि हत्या हमारी थोड़ी हुई है, हत्या हमारी तो हुई नहीं है, हत्या हुई है आपके हमारे माता पिता के सपनों की, उनकी उम्मीदों की। और अगर आपने आपको आप जागरूक और जीवित समझते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन से डिमांड कीजिए, आवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए या रिक्वेस्ट कीजिए, जो तरीका आपको ठीक लगे उनसे मांग कीजिए कि रिजल्ट को रिवाइज करें। ना जाने आज मेरी तो कल आपकी बारी होगी। जय हिंद, गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं।